नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 31। बच्चों आज हम लोग उत्तक पढ़ेंगे और उत्तक में जटिल अस्थाई उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम को पढ़ेंगे। पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम काफी महत्वपूर्ण उत्तक होते हैं, क्योंकि पौधों में जितना संवहन का काम होता है, संवहन का मतलब होता है वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन जो कहते हैं, तो यह जो पौधों में होता है वह इन्हीं दोनों उत्तकों के माध्यम से होता है। तो ज्ञान अपने जिज्ञासा दीदी से पूछता है, दीदी सरल अस्थाई उत्तक के बारे में हमने जान लिया, ये जटिल अस्थाई उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होता है? तो जिज्ञासा बोलती है, ज्ञान जैसा कि हम जानते हैं जटिल अस्थाई उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक नई इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होती हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। मतलब जटिल अस्थाई उत्तक जो होती हैं, वह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करती हैं। तो इस तरह से यह दो प्रकार की होती हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। यह दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। संवहन मतलब मैंने आपको बताया है कि परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, इसे संवहन बंडल कहते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है, मतलब जो बड़े पौधे होते हैं उसमें जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं, मतलब की उनमें संवहन होता है। तो आप यहाँ जाइलम उत्तकों को देख सकते हैं, ये जाइलम उत्तक हैं और यह है फ्लोएम उत्तक। तो अब है कि जाइलम उत्तक इसकी संरचना को समझते हैं। जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है, मतलब उसका जो लकड़ी वाला भाग है तो पौधे वह जाइलम उत्तक है। यह चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जाइलम ट्रैकिड, वाहिनिका, वाहिका बेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेसे। और जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं, मतलब कि इसमें जाइलम पैरेन्काइमा सजीव होता है, बाकी सारी मृत होती है। इसका कार्य है जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से, वाहिका मतलब इसकी नालियां, जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संबंध है। मतलब ये जड़ नीचे से, ये अगर जड़ हो गया तो यहाँ से पौधे और खनिज लवण लेकर के पौधों के ऊपरी भागों तक ये पहुंचाते हैं, ऊर्ध्वाधर संवहन कहते हैं, ऐसे वर्टिकल। जाइलम फाइबर एस्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं तथा यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं, मतलब यह भोजन संग्रह भी करते हैं और पार्श्वीय संवहन नीचे से ऊपर तक ले जाने में मदद करते हैं। अब है फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम संरचना। फ्लोएम उत्तक चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संघटक भी कहते हैं। ये चार प्रकार की कोशिकाएं हैं फ्लोएम के संघटक, चालनी, नलिका और साथी कोशिकाएं। आप यहां देखिए चालनी, नलिका और साथी कोशिकाएं, यहां देखिए इस तरह की। उसका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। तो इस तरह से चार संगठन होते हैं इसके संघटक, इससे मिलकर के फ्लोएम उत्तक बनती है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम रेसे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनका कार्य है फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण भी कहते हैं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, मतलब यह जड़ से लेकर ऊपर भी लेके जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों उत्तकों को देख लिया। अब कुछ प्रश्न है यहाँ, जैसे कि पहला प्रश्न है जटिल अस्थाई उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखे थे। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, जटिल अस्थाई उत्तक क्या होते हैं और इनके नाम भी लिखने। तो आप यहां देखिए, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। जटिल अस्थाई उत्तक, यहां से आप लिखिएगा
ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा, जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। और जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। यहां तक इसका आंसर है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं? चलिए इनका उत्तर देखते हैं। संवहन ऊतक, दोनों ऊतक मतलब कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक पादपों में, यहां से आप लिखिएगा, दोनों ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, इसलिए संवहन बंडल भी कहते हैं। तो इस तरह से यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के चार भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। अब देखिए, जाइलम के चार भागों के नाम तो आप यहां लिखिएगा, ये इतना लिखिएगा, हो गया। और फ्लोएम के चार भागों के नाम इनको लिखिएगा। अब इनके कार्य लिखने हैं, तो कार्य में आप दोनों के कार्य, यहाँ जाइलम का कार्य दिया हुआ है और यहाँ देखिए यहाँ फ्लोएम का कार्य दिया हुआ है, तो इन दोनों के कार्य को आप पूरा पूरा लिख सकते हैं यहाँ तक, और इसको भी यहां से लेकर यहां तक। अब कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर बहुत सिंपल सा है, दोनों का कार्य लिख दीजिएगा तो दोनों का अंतर हो जाएगा। अगर आप चौथा प्रश्न का भी उत्तर दोनों के कार्य, इसके कार्य को और इसके कार्य को लिख दीजिएगा तो दोनों का अंतर आसानी से हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न उत्तर था। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।